दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे वीडियो के अंदर। आज दोस्तों मैंने सोचा है कि हमारा जो बोरिंग सा दिखने वाला घर है उसे हम लोग बहुत ही तगड़ा अपग्रेड करने वाले हैं और उस घर को अपग्रेड करके एक बहुत ही बढ़िया और स्ट्रॉन्ग और पावरफुल घर बनाएंगे। तो अभी तक आप लोगों ने देखा था हमारा घर के कैसा अजीब सा था और बिल्कुल भी छोटा सा घर था गाइस हमारा एक फ्लोर का, तो वो अब होने वाला है बिल्कुल ही कम्प्लीटली चेंज आज की वीडियो के अंदर। ईंट लेके तो मैं पहुंच चुका हूँ लेकिन काफी लेट हो चुका है। लगता है आज रात को मुझे वापस से ओवर टाइम करना पड़ेगा। सर आज मुझे रात के लिए टाइम छोड़ दीजिए, आप जाके सोइए, आज रात हम लोग ओवर टाइम करने वाले हैं और आपका घर का काम जल्द से जल्द हम लोग शुरू करके आपका घर भी बना देंगे। सर गाइस अभी रात को भी ओवर टाइम करने वाले हैं तो इन्हें ओवर टाइम करने देते हैं, हम लोग चलते हैं सोने। ये कैसी चीज है? ये क्या हो रहा है? अरे ये कौन है जो हमारे ऊपर गाड़ी चढ़ा रहा है? ये तो एक गाड़ी है और ये गाड़ी तो उस ट्रक से बाहर निकल के आई है अभी भी, लेकिन उस ट्रक में तो मैं ईंटें लोड करके लाया था। और नो, ये गाड़ी उसमें से कहाँ से निकल गई? अरे भागो दोस्तों, भागो, ये अपने आप ही चलने वाली भाई भूतिया गाड़ी लगती है मुझे, भागो। अरे भागो भागो, ये गाड़ी हम पे अटैक कर रही है, ये खतरनाक मॉन्स्टर कार लगता है मुझे तो। अरे ये तो बहुत ही डेंजरस गाड़ी है, हम में से किसी को भी नहीं छोड़ा इस गाड़ी ने। The next morning. चलो गाइस अभी सुबह हो चुकी है पर एक अजीब सी चीज मुझे देखने को नजर आ रही है और वो है कि गाइस ये जो मुझे बुलडोजर नजर आ रहा है, इस बुलडोजर को बाहर होना चाहिए, हमारे घर के अंदर कैसे आ गया? ये तो कंस्ट्रक्शन वर्कर ने बाहर खड़ा किया था और वो भी अजीब सी तरीके से मेरे घर में क्या कर रहा है ये? बाहर क्या हुआ है? अरे ये क्या, यहाँ के बंदों को क्या हो गया? हेलो एक्सक्यूज मी, हेलो कोई ठीक है? अरे यार मैं तो सोचा था ये लोग सो रहे हैं लेकिन ये तो सब मर चुके हैं। और इस गाड़ी के अंदर तो ईंटें भर के आई थी, ये गाड़ी भी खुली हुई है, पता नहीं यहाँ पे हुआ क्या है, ये सब मर कैसे गए? एक्चुअली में गाइस इनमें से कोई जिंदा नहीं है। पुलिस स्टेशन, हेलो एक्सक्यूज मी सर, मैं फ्रैंकलिन क्लिंटन बोल रहा हूँ, मेरे घर के सामने मेरे बहुत सारे कंस्ट्रक्शन वर्कर मर चुके हैं, आप जल्दी से मेरे घर पे पहुंच जाइए। ओके गाइस, कंस्ट्रक्शन वर्कर तो यहाँ पे एक भी नहीं जिंदा है, लेकिन अच्छी बात है कि यहाँ पे पुलिस आ चुकी है और ये पुलिस ऑफिसर मेरे पास में ही आ रही है, पता नहीं मुझसे क्या पूछने वाली है ये। ओके तो गाइस ये पुलिस ऑफिसर मुझसे पूछ रहे कि ये लोग यहाँ पे कर क्या रहे थे, तो मैंने बता दिया है कि ये लोग मेरे घर को अपग्रेड कर रहे थे। 15 minutes later. चलो गाइस अभी यहाँ जो पुलिस ऑफिसर आई थी उसने यहाँ पे एम्बुलेंस लाकर जितने भी कंस्ट्रक्शन वर्कर थे उन सभी को अपने साथ ले गई है, लेकिन मुझे एक अजीब सी शक लग रही है। मैं कंप्यूटर में अपने चेक करता हूँ सीसीटीवी कैमरा को जरा, एक मिनट, ये रात के फुटेज में मुझे एक गाड़ी नजर आ रही है जो उस वाले ट्रक से बाहर आई है जिसमें ईंटें भर के आई थी। ओ यस, और वहां से वो गाड़ी निकली है और उस गाड़ी ने, एक मिनट, यहाँ पे सारे कंस्ट्रक्शन वर्कर को यहाँ पे मार दिया उसने। पर उससे भी ज्यादा अजीब बात ये कि वो गाड़ी जो थी वो अपने आप ही चल रही थी, उस गाड़ी में कोई भी नहीं बैठा था, ये क्या चल रहा है यार? वो गाड़ी को उस ट्रक के अंदर किसने भरा था? ये क्या हो रहा है? ब्रेकिंग न्यूज में ये गाड़ी मुझे वापस नजर आ रही है। एक सेकेंड गाइस, ये गाड़ी तो लॉस सैंटोस के अंदर है और इसने यहाँ पे इतनी खतरनाक तरीके से तबाही मचा दी है। अरे यार ये तो गाड़ी सच में बहुत खतरनाक है और ये पूरे सिटी में गाइस इस वक्त बहुत ही तगड़े तरीके से लोगों को मारे जा रही है। रुको यार, मुझे कैसे भी करके उस गाड़ी को पकड़ना होगा वरना तो ये पूरे लॉस एंजेलस को मार देगी। और वो गाड़ी मेरे घर के बाहर से एग्जैक्ट निकली है, अगर किसी पुलिस वाले को भी पता चल गया कि वो गाड़ी मेरे घर के बाहर से आई है तो मैं दिक्कत में फंस सकता हूँ। एक काम करते यार, लेस्टर के पास चलते हैं, जरा लेस्टर से मदद मांगने की कोशिश करते हैं कि इस गाड़ी के बारे में पूछते हैं उससे कि ये गाड़ी अपने आप ही चल कैसे सकती है। ये ऐसे यार, अपने आप ही कोई भी गाड़ी नहीं चल सकती जब तक उसे कोई ड्राइव ना करे, पर वो कार अपने आप ही चल रही है, हो सकता है कि वो कोई रिमोट से कंट्रोल कर रहा है उसे, तो लेस्टर मेरी मदद कर सकता है एक तरीके से उस गाड़ी को हैक करके। पर हैक करने के लिए भी उस गाड़ी को हमारे पास होना चाहिए, पता नहीं, देखते हैं लेस्टर हमारी हेल्प कर पाएगा या फिर नहीं।
लेस्टर के पास तो पहुंच चुके गाइस, आप लोग यहाँ पे वेट करो, देखते हैं क्या बातचीत होती है मेरी लेस्टर से। चलते हैं घर में। ओके, लेस्टर ने मुझे एक बात तो बताया, एक्चुअली उस स्कॉट किलर कार के बारे में लेस्टर को भी पता चल चुका है, इसने भी न्यूज देखा और लेस्टर बता रहे कि वो गाड़ी कोई भी ऐसी वैसी नॉर्मल कार नहीं है, वो एक कर्ट्स किलर कार है। एक्चुअली ऐसी गाड़ियों में होता ही है कि वो जो गाड़ियां अपने आप ही चलने लगती है, और ये ऐसा तब होता है जब उन गाड़ियों के अंदर कोई आत्मा या फिर कोई भूत आ जाता है। और लेस्टर चाहते हैं कि हम लोग उस गाड़ी को पकड़े, और ऐसे वैसे तरीके से नहीं, वो हमें मारने आए तब हम लोग पकड़े। एक्चुअली एक बहुत ही तगड़ा प्लान बताया मुझे लेस्टर ने, उस प्लान के हिसाब से अगर मैं काम करूंगा तो हो सकता है कि वो गाड़ी मेरे पास आए और मैं उसे पकड़ लूं। पर आई डोंट नो मैं कैसे पकड़ूंगा उसे, वो तो अब पता चलेगा तभी जब वो गाड़ी मेरे पास आएगी। लेकिन लेस्टर ने मुझे एक प्लान तो बताया है, चलो पहले मैं अपने घर पे चलता हूँ और उसके बाद गाइस तुम लोगों को बताता हूँ प्लान क्या है। चलो अभी तक शाम हो चुकी है, काफी लेट हो चुके हम लोग यहाँ पे लेस्टर के घर पे आते वक्त, अभी घर पे ही चलते हैं। और पहले तो मैं आप लोगों को प्लान बता देता हूँ गाइस प्लान क्या है। एक्चुअली वो जो कर्स की कार है बहुत सारे लोगों को मार रही है, तो हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग नकली बहुत सारे पुतले जो है अपने घर के सामने खड़े करते हैं, ताकि वो गाड़ी उन पुतलों को मारने के लिए आए इंसान समझ के और हम लोग उसे पकड़े। पर एक मिनट, अरे यार ये यहाँ पे ब्लास्ट हुआ है, मुझे जहाँ तक लगता है ये उसी गाड़ी ने किया है, क्योंकि वही है जो इस वक्त लॉस सैंटोस में तबाही मचा रही है। रुको जरा, रुको, ये तो वही कार है ना। हाँ ये तो वही कार है। अरे ये मेरे ऊपर अटैक करने आई है क्या? नहीं नहीं नहीं, मेरे ऊपर तो अटैक नहीं कर रही है ये, ये तो वही कॉर्ड्स क्लियर सुप्रा कार है। ये जा कार ही है, मुझे तो इसका पीछा करना पड़ेगा। मैं ऐसे प्लान में फंसाना चाहता था, लेकिन ये तो खुद नजर आ गई मुझे, और वो गाड़ी इस वक्त मुझे आगे की तरफ जाती हुई नजर आई है। आई डोंट नो वो गाड़ी किसी को मारने गई है या फिर किस काम के लिए गई है, लेकिन जल्दी से चलते हैं। अच्छी बात है कि उसने मेरे ऊपर अटैक नहीं किया, पर वो कार तो यहाँ पे आके रुक चुकी है। वो यहाँ पे होगा क्या? रुको रुको रुको, मुझे लगता है इस गाड़ी में कोई प्रॉब्लम है, ये गाड़ी यहाँ पे आके रुक चुकी है जरूर। इस गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया होगा आई थिंक। एक काम करते गाइस, यही मौका है इस गाड़ी को खत्म करने का। मैं इसे प्लानिंग के हिसाब से पकड़ने वाला था, पर अभी ये गाड़ी खुद यहाँ पे आके रुक चुकी है, तो अभी इस गाड़ी पे लगाते हैं बहुत सारे स्टिकी बॉम्ब और इसे यहीं पे ब्लास्ट करके इसका खत्म कहानी करते हैं। चलो चलो चलो, जल्दी जल्दी करते हैं यार, लगता है इस गाड़ी का पेट्रोल पूरी तरीके से खत्म हो चुका है और अभी टाइम है इस गाड़ी को खत्म करने का। पर रुको, मैं तो सोचा था इस गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया है, पर ये गाड़ी स्टार्ट कैसे हो गई? अरे नहीं नहीं, गड़बड़ हो गया यार, ये गाड़ी तो स्टार्ट हो गई, इस गाड़ी में कोई है भी नहीं, फिर भी ये गाड़ी चलने के लिए तैयार है पूरी तरीके से। रुको रुको, इस गाड़ी को ब्लास्ट करते हैं। सोचा था कुछ कि गाड़ी को ब्लास्ट कर दूंगा मैं, पर ये गाड़ी तो ब्लास्ट ही नहीं हो रहा है। भाग भाग फ्रैंकलिन, जल्दी भाग। अरे ये तो बहुत ही खतरनाक गाड़ी है यार, इसे तो ब्लास्ट भी नहीं किया जाता, फिर इसे मारेंगे कैसे? अरे यार इस गाड़ी ने मेरे ऊपर भी अटैक कर दिया। ये गाड़ी सच में बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव और पावरफुल कार है, आज से पहले मैंने ऐसा कोई भी गाड़ी नहीं देखी इतने सारे स्टिकी बॉम्ब से भी ब्लास्ट ना हो, और इस गाड़ी ने कितनी आसानी से उस तभी स्टिकी बॉम्ब को झेल गई यार। काम करते हैं, छिपते, जल्दी जल्दी छिपते हैं, क्योंकि वो गाड़ी मेरे पीछे ही आ रही है, जस्ट मेरे पीछे आ रही है, वो कभी भी मेरे को पकड़ सकती है। एक सेकेंड, वो गाड़ी आ तो रही है। ये गाड़ी मेरे पीछे पीछे यहाँ तक आ गई है, अगर मैं रोड से जाऊँगा तो पक्का है कि मेरे को पीछा करके मुझे मार देगी। हम लोग एक काम करते हैं, अजीब तरीके से रास्ते पे जाते हैं जहाँ से मुझे वो गाड़ी पकड़ी ना पाए। ओके, ये रेलवे ट्रैक सही रहेगा मुझे जहाँ तक लगता है। चलो गाइस, बिल्कुल ही अजीब रास्ते पे चलते हैं जहाँ से कॉर्ड्स की कार मेरे पीछे आ ही ना पाए बिल्कुल भी, और जल्दी से घर पे निकलते हैं। ओके, बहुत ही तगड़ी बिली थी। चलो यार, घर तक तो मैं पहुंच चुका हूँ, लेकिन मुझे अभी टेंशन हो रहा है कि वो स्कॉट्स किलर कार को मारे कैसे, क्योंकि बहुत ज्यादा खतरनाक गाड़ी है। मैंने उसे ऊपर इतने सारे स्टिकी बॉम्ब लगाए ब्लास्ट करने की कोशिश की, पर फिर भी नहीं हुआ, और उसके बाद मैंने क्या नहीं ट्राई किया यार, उस गाड़ी के ऊपर से भागने की कोशिश किया। मैं सोचा रहा था कि उस गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाए, गाड़ी को भगा मैंने पेट्रोल खत्म करने की कोशिश की, फिर भी ऐसा नहीं हुआ, पता नहीं कैसे वो कार खत्म हो गई। माइकल का फोन, हेलो फ्रैंकलिन, कहां पे हो? एक काम करो, मेरे घर पे आ जाओ जल्दी। तुमने वो कॉर्ड्स की कार के बारे में सुना है जो न्यूज में चल रहा है आजकल? वो गाड़ी मुझे मारने के लिए मेरे घर के बाहर आई है, और वो मुझे यहाँ पे घर के बाहर निकलने के लिए मजबूर कर रही है। क्या? एक मिनट, वो कॉर्ड्स की कार? अरे हाँ यार, जल्दी आ जाओ। जल्दी गाइस, और तो मुझे लगा था वो कॉर्ड्स की कार मेरे पीछे आएगी, लेकिन वो तो सीधा माइकल के घर पे पहुंच चुकी है। वो माइकल के घर पास कैसे पहुंच गए? जल्दी यार, जल्दी चलते हैं माइकल के घर पे जाके वो कॉर्ड्स की कार
हंगामा कर रही है माइकल को मारने के लिए। हमें जाना पड़ेगा जल्दी से। पर करेंगे क्या वहाँ जाके, उसे मारने के लिए कोई प्लान भी तो नहीं है। आप लोग यार जल्दी करो, एक काम करो, कमेंट में जाओ और ढेर सारे प्लान बताओ मुझे, ताकि मैं उस गाड़ी को खत्म कर पाऊँ। यार आप लोग कमेंट नहीं करते हो कभी भी, तो कमेंट तो जरूर से कर दिया करो यार। इस वीडियो को लाइक भी कर दिया करो जल्दी से आप लोग। ये रहा माइकल, माइकल तो यार, पर वो कॉर्ड्स क्लियर कार कहाँ है? हेलो माइकल, एक सेकेंड, ये क्या बकवास कर रहा है ये माइकल? हाँ ये बंदा बोल रहा है गाइस कि इसने मुझे कॉल नहीं किया था, ना ही इसने मुझे यहाँ पे बुलाया, ना इसे किसी कॉर्ड्स क्लियर कार के बारे में पता है। कॉल तो इसी की आई थी थोड़ी देर पहले और इसने मुझे यहाँ पे आने के लिए बोला। इसे मारने वाली थी वो कॉर्ड्स क्लियर कार, ये क्या बकवास कर रहा है? वो गाड़ी फिर कहाँ है इस वक्त? चलो आज फ्रैंकलिन से मदद मांग के देखता हूँ, शायद आज फ्रैंकलिन मेरी मदद कर दे। आज तक तो फ्रैंकलिन ने मदद किया नहीं, सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपए की जरूरत है। अरे नई कार, नई कार कहाँ से आ गई फ्रैंकलिन के पास? अभी तक फ्रैंकलिन अपने घर को अपग्रेड करा रहा था और अचानक इतना पैसा आया कि उसने नई गाड़ी भी खरीद ली। ओह लगता है फ्रैंकलिन के पास इस वक्त काफी पैसा है। चलो मैं भी मांग के देखता हूँ फ्रैंकलिन से मुझे पैसा देता है या नहीं। हेलो फ्रैंकलिन, फ्रैंकलिन मैं मिस्टर शर्मा, अब आड़ा हो यार। और ये तो सुन नहीं रहा है, लगता है नीचे वाले रूम में वो सो रहा है। चलो उसके नीचे वाले रूम में चल के देखते हैं और उससे पैसे मांगते हैं। काश कि आज वो फ्रैंकलिन मुझे पैसे दे दें, काफी अर्जेंट है मुझे। अरे ये बुलडोजर फ्रैंकलिन के घर के अंदर क्या कर रहा है? उसे तो बाहर होना चाहिए। और सेट फ्रैंकलिन भी घर में नहीं है, आखिर फ्रैंकलिन कहाँ चला गया? लगता है फ्रैंकलिन आज घर पे नहीं है और ये उसकी गाड़ी नहीं लगती है मुझे। इतनी जल्दी फ्रैंकलिन कैसे नई गाड़ी खरीद लेगा? चलो अपने घर पे ही चलता हूँ, फ्रैंकलिन को फोन करके उसे पूछता हुआ कहा है। अरे ये क्या, ये गाड़ी की लाइट ऑन हो गई? अरे ये तो मैं पहली बार देख रहा हूँ कोई गाड़ी अपने आप ही चल रही है। इस गाड़ी के बर्न आउट कैसे हो रहे हैं? ओह शिट, अरे ये गाड़ी तो अपने आप ही चल रही है, एक गाड़ी को चला कौन रहा है? अरे बचाओ कोई तो, ये गाड़ी तो वापस आ गई हमला करने। यार मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे को कॉल किया किसने था, कुछ तो गड़बड़ है यार, पता लगाना पड़ेगा गाइस। लेकिन अभी चली से घर पे चलते हैं, क्योंकि यार वो कॉर्ड्स क्लियर कार मुझे लॉस एंटोस के अंदर ढूंढ सकती है। और वैसे भी मैंने उसके ऊपर कितने तगड़े हमले किए हैं, वो तो मेरी दुश्मन बन चुके हैं इस वक्त बहुत ही गंदी तरीके से, कभी भी वो मेरे पर अटैक कर सकती है। चलो जल्दी से घर पे निकलते हैं। ओके तो यहाँ पे घर का रास्ता मेरे काफी क्लोज में ही है, अपनी बाइक को जरा भगाते फुल स्पीड में। यार बाइक को काफी टाइम हो गया मैंने फुल स्पीड में भगाया नहीं, अभी मौका मिला जरा फुल स्पीड में भगाते अपनी बाइक को। ओके अब क्या, आप तो घर पे ही आ चुके हैं, चलो रुकते हैं घर पे। रुको रुको, ओ नहीं रुकना नहीं है, रुकना नहीं है बिल्कुल भी। ये क्या देख रहा हूँ मैं, ये तो वही गाड़ी है गॉड्स क्लियर चुपरा कार। ये यहाँ पे क्या कर रही है, क्या कर रही है यहाँ पे, ये अरे निकल चुकी है ये तो, मेरे को देखते यहाँ से भाग गई या फिर ये अपने आप ही है। ओ तो भाग रही है वो, सीधा सीधा जा रही है, कुछ तो गड़बड़ है यार। वो मेरे घर पे क्या करने आई थी, मिनट ये कौन है? ओ शिट यार मिस्टर शर्मा, मिस्टर शर्मा को मार दिया उस कॉर्ड्स क्लियर कार ने, मिस्टर शर्मा को मार दिया गाइस। अरे यार कुछ समझ में नहीं आ रहा ये क्लियर कार की कहानी है क्या, क्यों ये हमारे पीछे पड़ी हुई है मुझे मारने के लिए, इस लॉस एंटोस को खत्म करने के लिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप लोग कमेंट करके बताओ यार अगर आप लोग को इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट देखना है तो, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए, और इस वीडियो को पसंद आए इस वीडियो को लाइक करना और अपना फेवरेट पार्ट जो है कमेंट कर देना, और कुछ सजेशन भी दे सकते हो जिससे मैं इस कॉर्ड्स क्लियर कार को खत्म कर सकूं। अपनी राय कमेंट में मुझे जरूर से बताना। मिलते हैं दोस्तों इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में, अगर आप लोग कमेंट कर दोगे। तब तक के लिए गाइस अपना ध्यान रखना, टेक केयर एंड गुड बाय बाय।